कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी स्किन में स्किन डिजीजेस ना हो। वो ये है कि नहाने के बाद, जब आप नहाते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने फेस पे क्या लगाना चाहिए। तो गाइस, जब हम नहा के आते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई सी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर आप जो लगाते हैं, पहले उसे हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने अपनी क्रीम ले ली है जो मैं लगाती हूँ, उसको लेके मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। पहले मैंने क्रीम लगा ली, अब मुझे क्या करना है, कोई सी भी सनस्क्रीन जिसका SPF 50 है वो वाली आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। सनस्क्रीन हमें कैसे लगानी है, उसका सही तरीका क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमें सनस्क्रीन थोड़ी सी लेनी होती है, इसका सही तरीका लगाने का ही होता है 3 फिंगर्स। इसमें मैंने, ये देखिए, 3 फिंगर्स में थोड़ी थोड़ी डॉट्स ले ली है, उनको ऐसे करके डैब डैब कर लिया है, ऐसे। सारे में स्किन में, सारे नेक पे, अपने हाथों पे, सब पे लगा लेंगे, थोड़ी सी और ले लेंगे हाथों पे लगाने के लिए। और अगर कोई फेस पे ऐसे मर्ज नहीं कर पाता है तो हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, ऐसे ऐसे करके लगाई हमने पहले सनस्क्रीन, फिर ऐसे ऐसे करके मर्ज कर दी। थोड़ी सी ही लेते हैं और उसको फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। हमें जो सनस्क्रीन होता है उसको मल के नहीं लगाना होता। क्यों नहीं लगाना होता, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है और भी ज्यादा। ये लगाने के बाद क्या करेंगे, कईयों को क्या होता है, सनस्क्रीन लगाने के बाद ही एकदम पसीने आने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना कोई सा भी फेस पाउडर जो हम यूज करते हैं वो लेना है और ऐसे लेके हल्का हल्का सा डैब डैब कर लेना है। ये देखिए, हल्का सा हम फेस पाउडर लगा लेंगे, या कोई अगर आपके फेस पाउडर नहीं है, वैसे तो होता ही है कॉम्पैक्ट हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, टैल्कम पाउडर भी हल्का सा अपने हाथों पे लिया, ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे किया और उससे हल्का हल्का करके अपनी स्किन में थोड़ा थोड़ा लगा लिया। ये चीजें हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। हमें हमेशा सनस्क्रीन ऐसे ही लगाना चाहिए, इससे क्या होगा कि सन जो होगा उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होंगी वो हमारे इस पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे को जो पिगमेंटेशन, रिंकल्स की और डार्क स्पॉट की समस्याएं होती हैं वो होंगी ही नहीं। सिर्फ ये दो चीज करके, एक हमें पहले कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम लगानी है, फिर हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। ये मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए, आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। तो आप ये वाली वीडियो को देखिएगा, देखते देखते मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे कैसा पड़ा है, क्या आया है, आपको कैसा लगा है, ये करके सही लगता है कि नहीं लगता है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you very much.